हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लहसुन की चटनी की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, और ये हलवाई की रेसिपी है। बहुत टेस्टी, बहुत लोग घर पे बनाते हैं लेकिन फिर भी वैसा टेस्ट नहीं आ पाता जैसे हलवाई बनाते हैं। तो यही रेसिपी हम आपके लिए लाए हैं, बहुत टेस्टी और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, लेकिन बहुत सिंपल और इजी और बहुत कम सामान में बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आप पसंद करें तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मैंने एक कटोरी लहसुन की कलियां ले ली है, दो गांठ ली थी मैंने, बड़ी साइज़ की दो गांठें, उनको छील के मैंने ऐसी कलियां निकाल ली थी। तो ये एक कटोरी के करीब कलियां हो गई हैं लहसुन की। तो इसे हमें पीस लेना है, तो पीसने के लिए हम पहले एक मिक्सी का जार ले लेंगे। इसी में हम डाल लेते हैं लहसुन की सारी कलियां, और इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी पानी। तो एक कटोरी लहसुन है तो आधा कटोरी पानी डाल देंगे और इसका एक महीन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट बन जाएगा कुछ इस तरह का। ये देखिए, ये पेस्ट बनके एकदम तैयार है। अब हम तेल गरम करने रख देते हैं। यहाँ मैंने दो बड़े चम्मच तेल लिया है। आप इसमें जितना तेल डालेंगे आपकी चटनी उतनी टेस्टी भी बनेगी और ज़्यादा दिन तक आप इसे स्टोर करके रख सकेंगे। इसमें हम डाल देते हैं लहसुन। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, जो हमने प्यूरी बनाई है लहसुन की, जो पेस्ट बनाया है, वो हम इसमें सारा डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। आँच को भी आपको धीमा रखना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको एक दो मिनट अच्छे से चला लेने के बाद हमें इसमें सिर्फ दो मसाले डालने हैं। सिर्फ उसी से ये लहसुन की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। कोई तामझाम नहीं, बिल्कुल सिंपल और इजी रेसिपी, लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़िया। इसमें हम डाल देंगे दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ मैंने तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे सिर्फ आधा चम्मच नमक। इससे बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल सही रहेगा ये रेशो में अगर आप बनाएंगे तो। फिर भी अगर आप मिर्ची बहुत कम खाते हैं तो आप मिर्ची थोड़ा कम डाल दें, या अपने टेस्ट के अनुसार मिर्ची डाल दें। लेकिन अगर लहसुन की चटनी आप बना रहे हैं तो उसमें जब तक आप मिर्ची नहीं डालेंगे तो उसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसमें मिर्ची इतनी जाएगी और इस दो चम्मच मिर्ची से बिल्कुल भी तीखी नहीं होगी, बहुत अच्छी चटनी बन जाती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसे बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ता है। हमने आज धीमी ही कर रखी है, हमें इसे सिर्फ इतना ही पकाना है कि ये तेल छोड़ दें, सिर्फ उतनी ही देरी हमें इसे भूंजना है। उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में 15 से 20 दिन के लिए। जिनसे मैंने ये रेसिपी सीखी है वो कम से कम एक महीने के लिए चटनी बना के फ्रिज में रख देते हैं और आराम से खाते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए अच्छे से ये पक रही है। जब ये तेल छोड़ देगा मसाला थोड़ा सा और, तो हम इसे गैस बंद कर देंगे। इस चटनी का टेस्ट दाल बाटी के साथ में, दाल चावल के साथ में, या रोटी के साथ में, पूरी पराठे के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ये चटनी बना लेते हैं तो आपको सब्ज़ी बनाने की भी ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि सब्ज़ी की कमी को भी पूरा कर देती है। देखिए चटनी ने तेल छोड़ दिया, अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये चटनी का इस्तेमाल आप किसी सब्ज़ी बनाने में कर सकते हैं, कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं, सूखी सब्ज़ी बना रहे हो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप सफ़र में जा रहे हो तब भी आप ये चटनी को अपने साथ ले जा सकते हैं। रोटी फुलके के साथ, पूड़ी के साथ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। एयर टाइट डब्बे में आप इसे फ्रिज में रख दें। चटनी एकदम बन के तैयार है, आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं, ट्राई करें इस रेसिपी को।